तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मूवीज़ फ्रीक। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक फीमेल सुपर हीरो के बारे में बताने वाला हूं, जिसके पास हल्क जैसे पावर्स हैं और वो ब्रूस बैनर एके हल्क की अपनी कज़न है, जिसका नाम जेनिफर वॉल्टर्स एके शी हल्क है। तो इस महीने हुए डिज्नी प्लस डे में हमें शी हल्क पर आने वाली अपकमिंग सीरीज के फर्स्ट लुक को दिखा दिया गया, जहां पर हम टाटियाना मैसलेने को शी हल्क के लाइव एक्शन पोर्ट्रेल में देख सकते हैं और उसके साथ साथ हम उस फर्स्ट लुक में अपने मार्क रफेलो एके हल्क को भी देख सकते हैं। लेकिन इस सीरीज को देखने से पहले आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार शी हल्क है कौन, कैसे ये फीमेल हल्क बनी, क्या है इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज और क्या फ्यूचर होने वाली है शी हल्क की आने वाले मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शी हल्क की कॉमिक बुक ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। तो शी हल्क हमें सबसे पहली बार मार्वल कॉमिक्स में द सैवेज शी हल्क इशू नंबर 1 में देखने को मिली थी, जो 1979 में रिलीज हुई थी। और तो और, इस कैरेक्टर को क्रिएट करने वाले और कोई नहीं, हमारे फेमस कॉमिक बुक राइटर स्टैन ली थे और आर्टिस्ट जॉन कैमा थे। और इस कैरेक्टर को क्रिएट करने का सबसे बड़ा रीजन उस समय में पॉपुलर हुए 1977 के द इनक्रेडिबल हल्क और द बायोनिक वुमेन टीवी शो थे। और मार्वल को इस बात की चिंता थी, इन दोनों ही टीवी सीरीज के कॉमन प्रोड्यूसर इन दोनों टीवी सीरीज का कॉम्बिनेशन मिलाकर एक फीमेल हल्क ना क्रिएट कर दें। ऐसे में मार्वल ने अपने कैरेक्टर को पहले क्रिएट किया, ताकि कोई कंपनी ऐसा करती भी है तो मार्वल उस पर अपना दावा कर पाए। खैर, इवेंचुअली मार्वल इस कैरेक्टर को सबसे पहले क्रिएट करके सेफ हो गया और मार्वल कॉमिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया ब्रूस बैनर की कजन एके जेनिफर वॉल्टर को। खैर, जेनिफर वॉल्टर्स कॉमिक बुक के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री एक्वायर कर चुकी है और वो आगे चल के एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर बनती है। तो शी हल्क की ओरिजिन शुरू होती है जेनिफर वॉल्टर्स की ऑफिस से, जहां पर ब्रूस बैनर काफी समय के बाद जेनिफर वॉल्टर्स से मिलने आता है। तो ब्रूस बैनर को देख के जेनिफर वॉल्टर्स काफी ज्यादा खुश होती है और उससे मिलने के बाद वो उससे पूछती है कि आखिर वो इतने टाइम तक था कहां पर। तो फिर ब्रूस बैनर उसे बताता है कि वो काफी ज्यादा परेशान है और काफी ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा है, क्योंकि उसके पीछे मिलिट्री और पुलिस दोनों ही पड़े हैं। फिर जेनिफर उससे पूछती है कि आखिर उसने किया क्या है कि सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं। फिर ब्रूस उसे अपने हल्क की सच्चाई बताता है। ये सुनकर जेनिफर शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि यहाँ पर बात करना ठीक नहीं है, हम घर जाकर बात करते हैं। तो इसके बाद जेनिफर ब्रूस बैनर के साथ अपने घर के लिए निकल पड़ती है, इस बात से अनजान कि दो क्रिमिनल उनका पीछा कर रहे हैं जेनिफर को मारने के लिए। फिर जेनिफर ब्रूस बैनर के साथ कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल पड़ती है और उसे अपने करंटली चल रहे केस के बारे में बताती है। और घर पहुंचने के बाद वो दोनों ही कार से निकलते ही हैं कि इतने में वो दोनों क्रिमिनल आकर जेनिफर को पीछे से शूट कर देते हैं। और इसके बाद वो क्रिमिनल कार से निकलकर जेनिफर को फिर से शूट करने वाला होता ही है कि तभी ब्रूस अपने पास पड़े वाटर पाइप को उठाकर उन क्रिमिनल्स पे हमला करता है और इसी बात का फायदा उठाकर ब्रूस जेनिफर को लेकर वहां से निकल जाता है और जेनिफर को लेकर जेनिफर के घर में घुस जाता है और अपने आप को लॉक कर लेता है। फिर वो दोनों क्रिमिनल्स वहां से भाग निकलते हैं। क्रिमिनल्स के भागने के बाद ब्रूस उसी वक्त जेनिफर को लेकर उसके घर से बाहर निकलता है और पास ही में रहे एक डॉक्टर के घर जाता है। घर में किसी के ना होने के कारण ब्रूस उस डॉक्टर के घर के दरवाजे को तोड़ देता है और जेनिफर को लेकर अंदर चला जाता है। तो एक डॉक्टर होने के कारण उस डॉक्टर के घर में सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स मौजूद थे, तो ब्रूस उन्हीं का इस्तेमाल कर जेनिफर का इलाज करना शुरू कर देता है। लेकिन जेनिफर की काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी, जिसके कारण उसे उसी वक्त ब्लड ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। फिर ब्रूस बैनर मजबूर होकर उसे अपना ही ब्लड देने पर मजबूर हो जाता है और ये बात वो अच्छी तरीके से जानता था कि उसके ब्लड के कारण उसकी बहन भी एक हल्क में ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद वो अपना ब्लड अपने कजन को देता है। फिर उसके बाद ब्रूस वहां से जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो हल्क था और इसलिए पुलिस उसे ढूंढ रही थी। तो पुलिस के वहां पहुंचने के बाद पुलिस जेनिफर को हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है और कुछ ही टाइम के बाद वो सभी क्रिमिनल्स जिन्होंने जेनिफर को मारने की कोशिश की थी, वो एक बार फिर डॉक्टर के भेष में उस हॉस्पिटल में आ जाते हैं। फिर वो जेनिफर के रूम में जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो जेनिफर को मारने वाले होते ही है, तभी जेनिफर वॉल्टर्स के पैनिक होने के कारण उसके ब्लड में मौजूद गामा पार्टिकल्स एक्टिव हो जाते हैं और वो एक हल्क में बदल जाती है। तो जेनिफर को शी हल्क में ट्रांसफर हुआ देख वो सभी क्रिमिनल्स भागने लगते हैं, लेकिन अब जेनिफर शी हल्क में बदल चुकी थी और जेनिफर के एंगर ने जेनिफर के माइंड को टेक ओवर कर लिया था, जिसके बाद वो क्रिमिनल्स लिफ्ट में घुसकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन शी हल्क वहां पर आकर उन लिफ्ट के दरवाजों को तोड़कर और लिफ्ट को ऊपर से फाड़कर
लिफ्ट में एंटर हो जाती है। ये सब देख के वो क्रिमिनल्स और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसी वक्त वहाँ से भागकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। पर शी-हल्क उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाले नहीं थी और वो पास ही पड़े एक पोल को उखाड़कर उनकी कार के ऊपर दे मारती है, जिसके कारण उनकी कार क्रैश हो जाती है और शी-हल्क वहाँ पे आकर उन क्रिमिनल्स को पीटने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर जेनिफर घबरा जाती है और वो क्रिमिनल्स को छोड़कर वहाँ से वापस अपने हॉस्पिटल के रूम में आ जाती है। रूम में आते आते वो वापस शी-हल्क से जेनिफर वॉल्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर वापस आकर वो बेड पर लेट जाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं तो यहाँ मैं बता दूँ कि शी-हल्क हल्क की तरह अपना माइंड कंट्रोल नहीं खोती। वो गुस्से में आने के बाद शी-हल्क में बदल जाती है, पर वो अपना आपा नहीं खोती। ऑफ कोर्स मार्वल कॉमिक्स में शी-हल्क इंट्रोड्यूस होते ही छा गई। यही कारण है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर उसकी मार्वल में बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी खासी हिस्ट्री रही है। जहाँ पर सबसे पहले बात की जाए उसकी पर्सनैलिटी की, तो शी-हल्क भले ही अपने कजन के तरह गामा रेडिएशन से बनी है, लेकिन कॉमिक बुक में उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस था और वो एकदम प्रोफेसर हल्क की तरह अपने इंटेलिजेंस और अवेयरनेस को अपने शी-हल्क फॉर्म में भी कैरी करती है। ऊपर से इनिशियली उसके ट्रांसफॉर्मेशन को गुस्से की वजह से दिखाया जाता था, लेकिन बाद में शी-हल्क ने अपने विल पावर और कॉन्फिडेंस के दम पे करना सीख लिया। यहीं पर बात की जाए उसकी करियर की, तो उसका करियर मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर चुका है, जहां पर वो कई सारे सुपर हीरो, सुपर विलन्स, यहां तक कि कई सारे कॉस्मिक बींग्स की भी एक पब्लिक इटर्नी रह चुकी है। यही कारण है कि वो कॉमिक बुक के अंदर टीवीए के भी नजर में आ चुकी है। साथ ही साथ उसने मोबियस की भी जान बचाई थी। और तो और इन सब के ऊपर उसका कैरेक्टर कॉमिक बुक के अंदर मोस्टली बहुत ही कॉमेडिक और सम लाइक डेडपुल की तरह फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात करता है। यही कारण है कि कॉमिक्स में शी-हल्क, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, शील्ड, ए टीम और हीरोज फॉर हायर का भी हिस्सा रह चुकी है। ऊपर से शी-हल्क के कई मौकों पर रंग भी चेंज हो चुके हैं, जैसे सिविल वॉर 2 के दौरान, तब जेनिफर एक सैवेज ग्रे हल्क में भी बदल चुकी है, और तो और 2021 के रीसेंट वर्जन्स में रेड विंटर हल्क भी बन चुकी है। तो चलिए बात करते हैं शी-हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। ऑफ कोर्स बिल्कुल हल्क के तरह ही उसके पास सारी की सारी हल्क की पावर्स हैं। वैसे बात की जाए उसके ताकत की, तो शी-हल्क करीबन 100 टन तक उठा सकती है। वो 600 से 1000 फीट तक जंप कर सकती है। साथ ही साथ उसकी स्किन भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, जो उसे -123 डिग्री से लेकर मैक्सिमम 1648 डिग्री सेल्सियस झेलने में मदद करती है। साथ ही साथ उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है, जो इतना पावरफुल है कि वो हल्क्स को रिजरेक्टिव इमोर्टैलिटी भी देती है, जिसके कारण हल्क्स वापस जिंदा भी हो पाते हैं। इसके साथ साथ उसके पास गामा एनर्जी मैनिपुलेशन भी है, जो उसे हेल्प करती है गामा शॉक वेव, गामा ब्रेथ और गामा स्पीड देने में, और साथ ही साथ वो बॉडी स्विच भी कर सकती है। एंड ऑफ कोर्स आप उसकी इंटेलिजेंस को कैसे भूल सकते हैं, जहां पर वो बेसिकली UCLA स्कूल ऑफ लॉ और हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ से लॉ की डिग्री ले चुकी है। अब देखना ये रहेगा कि मार्वल शी-हल्क को अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैसे एस्टैब्लिश करता है। अनटिल, अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ऑसम कंटेंट वीकली देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग मूवीज फ्रीक। मून नाइट की ओरिजिन वीडियो देखने के लिए लेफ्ट पे क्लिक करें और स्पाइडरमैन के ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए राइट पे क्लिक करें।